गुड मॉर्निंग टू फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई साहब बढ़िया, आज तो अपने मस्त घूम रहे खतरनाक वाला, और आज आपको पूरा मथुरा घुमा देंगे। और अब हम लोग जाने वाले प्रेम मंदिर जाएंगे, और फिर देखते हैं और कौन सा यार निधिवन जाने का देखते हैं। और पहले तो चलते हैं प्रेम मंदिर, है ना, वहाँ पे चल के फिर मिलते हैं। और गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी भाई साहब, पुलिस वाले हैं ना भाई साहब, लेके जाने नहीं दे रहे वहाँ तक गाड़ी, और ना मथुरा के इस्कॉन में लेके जाने दे रहे गाड़ी। बोल रहे नहीं भैया पार्किंग में खड़ी कर, और फिर बैटरी वाले रिक्शे जाने दे रहे हैं। तो पुलिस वालों ने ये लूट मचा रखी, ये गलत है बस। तो फैमिली देख लो, तुम्हारा भाई आज भी ना देखो पीछे बैठा है, सब लोग आगे बैठ गए लेकिन तुम्हारा भाई पीछे बैठा है। आज तुम्हारे भाई को पीछे बैठने में काफी ज्यादा मजा आता है मस्त, लेकिन यार सीट ज्यादा गर्म है, वो चल रही है खतरनाक वाली। कोई ना मस्त मजा मार रहे हैं पीछे बैठ गए। हमारा टेम्पो भाई देखो, ये बैठा सूरज भाई, ये बैठा बाबू को, यहाँ भी लेटा, और ये देखो कैसे बैठे भाई साहब, और तुम्हारा भाई यहाँ पे बैठा है। तो हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे अभी, है ना, कहाँ पे जाते हैं? निधिवन। अब हम लोग जा रहे हैं निधिवन, क्योंकि निधिवन ही खुला होगा, प्रेम मंदिर ये सब बंद है अभी, तो दिन के समय थोड़ा शाम के समय जाएंगे। अभी चलते हैं निधिवन, निधिवन में चल के मजे मारेंगे चल के। भाई साहब धूप बहुत ज़्यादा लग रही है यार, ये देखो धूप बहुत ज़्यादा करेगा, पता नहीं यार थोड़ा कुछ गर्मी कम करवा दो यार प्लीज़। भाई साहब भगवान की नगरी में गर्मी इतनी तेज़ हो रही है जितनी तो हमारे जयपुर में नहीं हो रही, राजस्थान में नहीं हो रही, यूपी में इतनी गर्मी। भाई साहब क्या ही गए, पसीना देख रहे हो, अब तारों कपड़े गलत चेंज करें यार, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तुम्हारा भाई पीछे और बैठा है तो इसलिए और ज़्यादा गर्मी लग रही है, धूप सीधे तुम्हारे भाई के ऊपर आ रही है। कोई ना, गर्मी सहन करने पड़ेगी, भगवान की दुनिया भैया, ये भगवान भी रहते थे, भगवान की दुनिया गर्मी तो सहन करने पड़ेगी ना भाई साहब। गर्मी लग रही है, भाई तो लटक गया, अब तब भी हवा तब भी लग रही है। हाँ यार हवा तो लग रही है कम से कम, पहले गर्मी लग रही थी इतनी खतरनाक वाली, अब हवा लग रही है, पसीना तो सूखेगा ना यार। गाइस वृंदावन का मार्केट ऐसा है भाई, ऐसा लेकिन भाई साहब यहाँ पे बताओ जो फीलिंग आ रही है ना, यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है ना वो खतरनाक वाली आ रही है भाई साहब, खतरनाक वाली पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। नेगेटिव तो बिल्कुल चल ही नहीं रहा दिमाग में, पॉजिटिव हो रहा है, एकदम अच्छा फील हो रहा है यार, ऐसा लग रहा है कि कृष्ण भगवान जहाँ पे पैदा हुए थे, रहते थे, घूमते थे, नहाते धोते सब करते थे भाई साहब, उस जगह पे हम लोग घूम रहे भाई, और क्या चाहिए भाई साहब, बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मार्केट देखने के बाद यहाँ पे मंदिर दिख रहे हैं मस्त वाले, मज़ा आ रहा है भाई साहब खतरनाक वाला, मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तुम्हारे भाई को गर्मी लग रही थी इसलिए तुम्हारा भाई पीछे ही लटक गया। फैमिली हम लोग टेम्पो से उतर गए थे, और एक टेम्पो से उतरे, दूसरा टेम्पो हम साथ में लेके चलते हैं, बस इस पे हम सवारी नहीं कर पाते इस टेम्पो पे। ये देखो भाई साहब बंदर कुछ खा रहा है, ये देखो कुछ खा रहा है भाई साहब, अरे भाई का चश्मा ले जा चुका है बंदर, ये देखो भाई साहब चश्मा ले जा चुका है तुम्हारे भाई का। अरे बंदर भाई को तो डर लग रहा है, मम्मी मेरी लेने गई है चश्मा, रुक जाओ भाई साहब मेरा चश्मा लेके भाग गया था। सामने दिख रहा है ना आपको ये रंगनाथ मंदिर, अभी बंद है, 4 बजे ओपन होगा, जब भी आएंगे तब तक चलते हैं निधिवन भी बंद है, देखते हैं वहाँ तक चलते हैं, 400 मीटर है यहाँ से, पैदल ही चलते हैं। देखते फोन टाइट पकड़ना पड़ेगा, चश्मा भी निकाल के ले गया था भाई साहब बंदर, ख़राब कर दिया चश्मा को, फेंक दिया, लेकिन कोई ना। तो फैमिली देख लो निधिवन तो बंद हो रखा भाई साहब, अभी बंद हो रखा, वेट कर रहे हैं अभी यहीं पर। फैमिली हमने भी मथुरा से ना वृंदावन से कुछ यादें ले ली हैं दोनों ने, सेम कुछ यादें होनी चाहिए ना हमारी मथुरा की, तो हमारी ये यादें, मस्त मज़ा आ गया है भाई। इधर है निधिवन, तो निधिवन जाएंगे हम लोग, निधिवन जाएंगे और उसके बाद प्रेम मंदिर। तो ये देखो पेड़ तो दिख गए मेरे को, ये रहे छोटे छोटे छोटे, और आगे तो पूरा बनी आपको घुमाएंगे। यहाँ पे भी बंदर आ चुका है, यही खुली है ना गेट, हाँ बंदरी तो गेट खुली है, आई 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 नहीं खुल रही। अबे ये रो, ओ अब कहाँ जाइए, ओ नहीं यार ये तो अच्छे से निकल जाता है यहाँ से, वाह।
आराम से आराम से, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। जय नीति बन के भाई साहब, भीड़ तो आ रही है यहाँ पे, खतरनाक वाले यार के मन में मौज मारेंगे यहाँ पे। कृष्ण भगवान ये है गाइस निधि वन, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे चप्पल उप्पल उतारेंगे और अंदर निधि वन घूमेंगे, आपको भी दिखाएंगे जहाँ पे कृष्ण भगवान भाई जूते वूते उतार दिए यहाँ पे, और अब यहाँ से एंट्री करेंगे निधि वन की। नहीं यार उधर से वन, तो गाइस निधि वन के अंदर आ चुके हैं हम लोग। भाई साहब निधि वन जो लग रहा है ना, ओहो भाई साहब यहाँ पे ये वही निधि वन है जहाँ पे कृष्ण भगवान भाई रास लीला रचाते हैं, और जहाँ पे कैमरे भी नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे लोग छुप के भी चल जाते हैं। ये है निधि वन, ये दो, ये है निधि वन, यहाँ इधर ही कृष्ण भगवान रास लीला रचाते, इधर ही कृष्ण भगवान रास लीला रचाते ना, इधर वो एक लड़का कैमरा छुपाएगा तो वाली भी घटना इधर ही वही थी। यहाँ रात में हाँ कृष्ण भगवान बोलते हैं ये सारे पेड़ नाच। हाँ यार सबने खिड़की तो बनाए रखी है देखने के लिए। भाई साहब ये निधि वन खतरनाक लग रहा है। उतरो उतार रहे हो। सो गाइस ये देखो मंकी, ओए क्या चाहता है तू, भाग गया, क्या चाहता है बे, मोबाइल लेगा क्या मेरा, मोबाइल लेने का मूड है क्या है, मोबाइल लेने का मूड है, ओ भाई साहब मोबाइल लेने का मूड है इसका, तो मेरा फोन लेने का मन लग रहा है इसका यार, एक बार छू के तो देखें यार कम से कम। ये कृष्ण भगवान का पेड़ है भाई। अरे भाई साहब ये बंदर देख के फोन, ये देखो भाई साहब इनसे बच कर रखना पड़ेगा फोन, वरना फोन ले गए ना तो अंदर जा के लेके भी नहीं आ पाऊंगा मैं। भाई साहब ये है पेड़, जय हो कृष्ण भगवान, सुन लो यार प्रभु। सो गाइस ये है निधि वन के पेड़ जो कृष्ण भगवान भाई साहब यहाँ पे है ना रास रचते हैं कृष्ण भगवान यहाँ पे। ये कुंड है, कुंड है, ये यही है वो पेड़, ये हम दोनों जा रहे हैं। ओ फोन टाइट पकड़ लो पहले तो भाई, फोन टाइट पकड़ लो, अब इनका फोन मत लेना, ले जाता हूं भाई साहब, फोन टाइट पकड़ना पड़ेगा वरना कोई ले जाए यहाँ से भाई। ये है निधि वन, वो नहीं आ रहे यहाँ पे, आंटी झाड़ू लगा रही है, आंटी झाड़ू लगा रही है वहाँ पे। वाह यार ये सही है यार, ये है राधा रानी का मंदिर, ये है यहाँ पे भाई, वहाँ पे फोटो वोटो खींचना अलाउ नहीं है इसीलिए, लेकिन यहाँ पे मंकीज बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे मंकीज। और ये है निधि वन के पेड़, ये वही पेड़ है भाई साहब जहाँ पे कृष्ण भगवान आके रास लीला करते हैं भाई, अभी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है अभी भी करते हैं। और यहाँ पे देखो आंटी साफ सफाई कर रही हैं, कृष्ण भगवान को साथ साथ छू भी सकती हैं। और ये कुंड है, और ये कुंड है इसमें पानी भी है, दिख रहा है, ये है बंद भाई साहब पूरा बोलनी, और ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोला जाता है जब ये निधि वन को शाम को है ना, यानी हाँ इधर रात में भगवान आते हैं, इधर इधर ये सारे है ना ये रास लीला होता है इधर रात में, तो ऐसे बोलते हैं यहाँ पे नाइट में ना, जो मंकीज और जो भी पक्षी वक्षी रहते हैं गिलहरी विलहरी सब भाई सब यहाँ से ना छोड़ छोड़ के चल जाते हैं नाइट में, फिर कृष्ण भगवान यहाँ पे रास लीला करते हैं। और बंदरों से भाई साहब काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। हे ये देखो भाई साहब कैसे दिख रहा, कोई नहीं यार, कोई बहुत बुला मत यार, कहीं आ जाए ऊपर से, फोन वोन ले जाए तुम्हारे भाई का, फोन ले जाए क्या फ़ायदा है ना, नुकसान हो जाए तुम्हारे भाई का मतलब में, फिर वहाँ पे लेने कौन जाएगा। ये देखो ये बैठ रखा, ये वो मंदिर है जहाँ पे श्री राधा रानी ने सिंगार करके रंग यहाँ पे रास लीला करने जाती थी, वो ये महल, तो यहाँ पे दर्शन करते हैं। और यही यार मस्त लग रहा है यहाँ पे, के लग रहा है एक दिन मैं भी रुक जाऊँ, पागल हो जाऊँ कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम भगवान को देख तो लेंगे ना कैसे हैं भगवान। देखेंगे गाइस कभी, ये वो मंदिर है जहाँ पे राधा रानी, सो गाइस वो पीछे वहाँ पे वो है कि राधा रानी जहाँ पे सिंगार विंगार करती थी ना, वहाँ पे राधा रानी सिंगार करती थी वो है। और ये भाई साहब सब भाई साहब सब रास लीला करते थे यार, वो ही है। और ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे बांधते हैं जिनकी मुराद पूरी होती है वो है,
लेकिन मेरे को भाई साहब निधि मन का ना थोड़ी सी लकड़ी लेके जानी है घर पे, किसी भी हाल में मेरे को लेके जानी है भाई साहब। कुल मिला के बात ये है, वो यार टूटती भी नहीं है, हमें लेके जान घर पे साहब। भाई साहब ये वो पेड़ है यार जहाँ से ना बांसुरी की आवाज आ रही है, बांसुरी की आवाज आ रही है भाई साहब। मम्मी के सोन साहब बोल रहा हूँ, बांसुरी की आवाज आ रही है, दोबारा सुनूंगा मैं। हकीकत में आवाज आ रही है यार, थोड़ी ऐसे बंसुरी बांसुरी बजती है ना उस टाइप में आवाज आ रही है यार, मस्त लगा यार ये चीज़ तो। बंसी की आवाज़ सुनाई दे रही है पेड़ में से, और ये देखो घूम रहा है निधि वन घूम रहा है आदित्य तो, मस्त वाला। चलो आओ, अरे क्या चाहिए तुम्हें, हमने लकड़ी तोड़ दे दी ना तुम्हें घर पे। ओ यार लकड़ी तोड़ रहे हैं ये लोग निधि वन की, मैंने ले ली, मैं लकड़ी लेके गया हूँ निधि वन की, याद रहेगा मेरे को। कृष्ण भगवान जहाँ पे रास लीला करते थे वो लकड़ी तेरा तुम्हारे भाई के पास है, तुम्हारा भाई लेके जाएगा, लेकिन टेंशन मत लो, लेके जाएगा तुम्हारा भाई। एक और तोड़ू क्या गाइस, इतनी सारी क्या तोड़ के करोगे, इसको भी तोड़ लूँ क्या? ले ली गाइस, तुम्हारे भाई ने एक और तोड़ ली तुम्हारे भाई ने। अब लकड़ी वकड़ी नहीं तोड़ रहा गाइस मैं बिल्कुल भी लकड़ी वकड़ी नहीं तोड़ रहा यार, गलती हो गया तुम्हारे भाई से। ये देखो किस तरीके से रास लीला होती थी कृष्ण भगवान की, मस्त। ये वो मंदिर है जहाँ पे ना राधा जी ने ना कृष्ण भगवान की बंसी चुरा ली थी। यहाँ पे बंसी चुरा ली थी राधा जी ने कृष्ण भगवान की। ये वो जगह जहाँ पे कृष्ण भगवान ने बंसी चुरा ली थी राधा जी ने, और फिर उन्होंने बजाई थी और वो बंसी राधा जी के पास ही रह गई। वो देखो ऐसा निधि वन में इतनी प्यारी प्यारी चीजें यार, मेरे को पता नहीं था भाई साहब, पता नहीं था भाई भाई। से पूरा वाकई बिहारी का जो भी बन में ना उस किस तरीके से हुआ था, ये देखो, और ये देखो इस तरीके से रासलीला अभी भी होती है प्रेजेंट में भी। ये देखो देख रहे हैं अकबर वगैरह सभी की कहानी भी लिखी है भाई, सभी की कहानी लिखी है। भीड़ नहीं थी बन में, ये देखो अब बैठ चुकी है बहुत ज़्यादा, तो तुम्हारा भाई पहले आ गया, इस वजह से हम लोगों को हो गया। ये देखो भाई साहब आप भीड़ देखो, आप अंदर नहीं जा पा रहे लोग भाई, अंदर नहीं जा पा रहे, और हम लोग तो पहले जाए हैं भाई, अच्छा रहा। तो फाइनली निधि वन भी पूरा घूम लिया है और अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, तो ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया होगा। तो आए हो आपको ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।